बहुत गर्म है आलू के पराठे। बहुत शिद्दत से ज्यादा आया होगा ना वो तुम्हें, और तुम्हें यूं लगा होगा जैसे जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर अचानक दौड़ गई है, और तुम्हारा दिल तुम्हारे बदन की कैद से एक फड़फड़ाते हुए कबूतर की तरह से आजाद होना चाहता है। मुझे तो इल्हाम हो जाता है, मैं चेहरा देखती हूं और पहचान लेती हूं, जान लेती हूं कि उसके अंदर की कहानी क्या है। बेशक अंतर्यामी खुदा की जात है, लेकिन कुछ बंदों को, कुछ खास बंदों को खुदा ने यह सलाहियत दी है कि वो अंदर का हाल जान सके। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। होकर बैठ जाया करता था और यहां परवेश के होते हुए, बच्चों के होते हुए ये तन्हाई मेरे दिल में घात बनाकर बैठ गई है। लिए जो डोसा बनाया था वो मैं उसको दे आई। अजीब सी बात है, तुम्हारे दोनों बच्चों की शक्ल तुम्हारे शौहर से नहीं है। जब मैं मुर्दों को नहलाती थी तो सबसे पहले मैं मुर्दों की आंखें, आंखें सब कुछ बता देती थी, हर औरत के दिल का हाल उसकी आंखों में। बेशक वो आंखें मुर्दा लिखी सब राज इंकशाफ कर दिया। एक दफा मैंने एक औरत को गुस्ल दिया, उसके शौहर ने उसे कत्ल कर दिया था। वो अपने पुराने महबूब को मिलने के लिए गई थी, मगर अभी वहां पहुंची नहीं थी, उसको मिली भी ना थी कि उसके शौहर ने उसे मार दिया। क्या हसरत थी उसकी आंखों में, क्या हसरत देखी है मैंने उसकी आंखों में।
मेरा तो जैसे कलेजा फटने वाला हो गया और उसको उसल देते देते मैं तो जारों जार रो रही थी। हाय, वैसे तुम मिलती तो रहती हो ना उसको कभी कभी, मगर अभी उसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी बेटे की शक्ल उससे ज्यादा मिलती है या बेटी की?